दोस्तों, अगर आप भारतीय गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज बनते हैं, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले की पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों की लाजवाब गेंदबाजी के पूरे हाईलाइट दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप हमें बताइए कि आप कुलदीप यादव और युजेंद्र चहल में से किस स्पिन गेंदबाज को सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मानते हो। आप अपनी राय नीचे हमें कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे वनडे श्रृंखला का दूसरा वनडे मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस दूसरे वनडे मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहले मुकाबले में मिली सर्वनाक हार के बाद अब श्रीलंका के पास यह मुकाबला जीतने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर श्रीलंका की टीम को यह वनडे सीरीज जीवित रखनी है, तो इस मुकाबले में भारतीय टीम को श्रीलंका को हर हाल में मात देना ही होगा। टॉस जीतने के बाद श्रीलंका के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अविष्का फर्नांडो और मुनीदुम भानुकुआ की जोड़ी ने इस दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती ओवर में बुरी तरह धुलाई करी। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए लगभग 77 रनों की अर्धशतक की साझेदारी बनाई। शुरुआती ओवर में तो इन दोनों को आउट करना भारतीय गेंदबाजों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा लग रहा था। इन दोनों ने पारी के 13वें ओवर तक श्रीलंका टीम का एक भी विकेट गिरने तक नहीं दिया। लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में स्पिन गेंदबाज युजी चहल को शिखर धवन ने गेंदबाजी पर लगाया और युजवेंद्र चहल ने इस ओवर में अपनी करिश्माई गेंदबाजी से भारतीय टीम के इस मुकाबले में फिर से वापसी करा दी। दोस्तों, इस 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर सेठ बल्लेबाज मिनीदो भानुका को युजवेंद्र चहल ने मनीष पांडे के हाथों कैच आउट कराया और अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज यानी कि भानुका राजपक्षे को चहल ने बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी। लगातार लगे दो बड़े झटकों के चलते अब श्रीलंका की टीम थोड़ी दबाव में थी, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा ने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाला। इसी बीच अविष्का फर्नांडो ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद अविष्का फर्नांडो एक खराब शॉट खेलकर भुवनेश्वर कुमार के हाथों आउट हो गए। अविष्का फर्नांडो के आउट हो जाने के बाद धनंजय डिसिल्वा भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और पारी के 28वें ओवर में दीपक चहर ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराया। लगातार लगे दो बड़े झटकों से फिर से श्रीलंकाई टीम दबाव में आ गई थी। शुरुआत धमाकेदार होने के बावजूद भी बीच को बस में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। खास करके स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल की बात की जाए तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से आग ही उगल रहे थे। लगातार विकेट गिरने के बाद अब दो नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके थे। श्रीलंका और श्रीलंका के कप्तान यानी कि दसून सनाका के कंधों पर अब श्रीलंका की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा था और इन दोनों ने एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी भी बनाई। लेकिन फिर श्रीलंका के कप्तान सनाका को फिर से युजवेंद्र चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका को भी दीपक चहर ने क्लीन बोल्ड करके श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरीके से दबाव में डाल दिया। अब अंतिम ओवर्स की बात की जाए तो भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवर्स में भी कमाल की गेंदबाजी के चलते श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे नहीं रखने दिया। लेकिन दोस्तों, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या भारतीय बल्लेबाज इस मुकाबले को जीतकर श्रृंखला पर कब्जा करने में सफल रहते हैं या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, आप हमें बताएं कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दरमियान कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा। अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।